नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत बॉलीवुड के कई स्टार्स पर तीखे बयान दे रही है। नेपोटिज्म से लेकर ड्रग मामले पर कंगना ने खुलकर बातें की, कई बड़े बड़े खुलासे भी किए जो कि लोगों को पसंद नहीं आए, और उन लोगों ने कंगना पर जमकर पलटवार भी किया। हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत में कंगना ने सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के अफेयर के बारे में बात की। साथ ही कंगना ने इन दोनों के ब्रेकअप के पीछे की वजह भी बॉलीवुड के माफिया गैंग को बताया। साथ ही उन्होंने करीना कपूर खान को भी लपेटे में लेते हुए उन पर भी आरोप लगाया कि करीना का भी इसके पीछे बड़ा हाथ है। कंगना ने बताया कि जो भी मूवी माफिया है जिन्होंने सुशांत को सताया, उन्हें बैन किया, मैंने उन लोगों के बारे में खुलकर बात की है। जो प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने सुशांत को टारगेट किया है उसे बैन किया। उनके जो चहेते और पालतू मीडिया है जिन्होंने उनके कैरेक्टर पर हमला किया, उन्हें रेपिस्ट कहा, उसे एकदम से कॉर्नर कर दिया। सुशांत सारा अली खान को भी डेट कर रहा था तो वो लोग यही चाहते थे कि उनका ब्रेकअप हो। करीना ने कहा भी था कि अपने पहले हीरो सुशांत को डेट मत करना प्लीज। तो देखा आपने, कंगना ने सीधा सीधा करीना पर निशाना साधते हुए सारा और सुशांत के ब्रेकअप की वजह उन्हें बता डाली। आपको बता दें कि करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के एक सीजन में करण जौहर ने करीना से कहा था कि वो सारा को क्या एडवाइस देना चाहेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए करीना ने कहा था कि अपने पहले को एक्टर को कभी डेट मत करना। करीना अपनी इन बातों के चलते सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस के गुस्से का शिकार भी हो चुकी है, और अब कंगना ने भी करीना को इसे लेकर आड़े हाथ लिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने करीना को लताड़ लगाई हो, इससे पहले भी वो करीना को निशाने पर ले चुकी है। आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले करीना ने नेपोटिज्म पर बात करते हुए कहा था कि क्यों देख रही हो हमारी फिल्में, कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है। इस बात को लेकर काफी बवाल मचा था और करीना कंगना के निशाने पर आ गई थी। और अब कंगना ने सारा और सुशांत को लेकर जो करीना पर तंज कसा है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।